नमस्ते बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक है जॉयफुल, उसके जो फर्स्ट चैप्टर है फाइंडिंग द फरी कैट, उसमें पेज नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 7 पे एक पोयम दी हुई है। पोयम का नेम है छुक छुक गोज अवर ट्रेन, छुक छुक गोज अवर ट्रेन। इसका मतलब है छुक छुक कर हमारी ट्रेन जाती है। चलिए इसको मैं रीड करता हूँ या गुनगुनाता हूँ, आप भी मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। छुक 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 गोज अवर ट्रेन ओवर द हिल्स एंड डाउन द प्लेन्स। छुक 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 गोज अवर ट्रेन, बोगीज बिफोर बोगी, बोगीज आफ्टर बोगी, मेक अ चेन ओवर द रिवर्स एंड इन द रेन। छुक 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 गोज अवर ट्रेन। इसको दोबारा रिपीट करते हैं। देखो, छुक 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 गोज अवर ट्रेन, इसका मतलब ये है छुक छुक करते हुए हमारी ट्रेन जाती है। ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन्स, पहाड़ियों या पहाड़ों के ऊपर से नीचे मैदान होता है। हिल्स मतलब पहाड़ियां होती हैं, ठीक है ना? तो पहाड़ियों के ऊपर से नीचे मैदान होता है, प्लेन्स मीन मैदान होता है। छुक छुक गोज अवर ट्रेन, और छुक छुक कर कर हमारी जो ट्रेन है जाती है। बोगीज बिफोर माई बोगी, इसका मतलब है मेरी बोगी से पहले की बोगियां। बोगीज आफ्टर माई बोगी, मेरी बोगी के बाद की बोगियां, ठीक है ना? मेक अ चेन, क्या बनाती हैं? एक चेन बनाती हैं, श्रृंखला बनाती हैं। ओवर द रिवर्स एंड इन द रेन, नदियों के ऊपर और बारिश में। छुक छुक गोज अवर ट्रेन, और छुक छुक कर हमारी ट्रेन जाती है। जैसे यहाँ पर एक ट्रेन दी हुई हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये सबसे पहले इंजन लगा हुआ है, फिर ये दो बोगियां, फिर एक रेड कलर की बोगी दिखाई दे रही है, उसके पीछे भी दो बोगियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया था, ये शायद कोई बॉय की के बारे में बात हो रही है। बोगीज बिफोर माई बोगी, बोगीज आफ्टर माई बोगी, रेड कलर की बोगी है ना, उसके आगे भी कुछ बोगी है और उसके पीछे भी कुछ बोगी है, ठीक है? अब इसी पोयम से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए पार्ट है, हाउ मैनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन। तो इंजन के बाद, आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद। कितनी बोगियां लगी हुई है इस ट्रेन में देखेंगे, तो ये इंजन है आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद की बोगी काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो टोटल इसमें कितनी बोगियां हैं इंजन के बाद? 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। हाउ मैनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगी। अब आपको ये बताना है कि रेड बोगी के बिफोर यानी पहले कितनी बोगियां हैं। तो आप देखेंगे जो रेड बोगी है ये है हमारी, अब उसके बिफोर यानी पहले कौन सी कितनी बोगियां हैं? 1 2। तो सिर्फ कितनी बोगियां हैं? 2 हैं, और वो आगे इंजन है, तो यहाँ पर लिखोगे 2, ठीक? नेक्स्ट है, फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगीज। अब आपको जो रेड बोगी है उसके बाद वाली बोगियों में कैसा कलर फिल करना है? ऑरेंज कलर फिल करना है, ठीक है ना? बाद वाली बोगी कौन सी? ये देखो, ये 1 और 2, इन दोनों में कौन सा कलर फिल करना है? ऑरेंज कलर, ठीक है ना? तो चलिए हम इनमें ऑरेंज कलर फिल करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो रेड कलर की बोगी थी उसके आफ्टर में, ठीक है ना, बाद में किस कलर से हमने उनको कलर कर दिया है? ऑरेंज कलर से, ठीक है ना? अब डी पार्ट देखो, फिल द ब्लू कलर इन द बोगीज बिफोर द रेड बोगी। अब आपको जो रेड बोगी के पहले बोगियां हैं उनमें कैसा कलर फिल करना है? ब्लू कलर। तो चलिए अब इनमें हम लोग ब्लू कलर फिल करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने रेड कलर की बोगी के बिफोर यानी पहले वाली बोगियों में कैसा कलर फिल किया है? ब्लू कलर, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप भी बच्चों इसमें कलर फिल कर लेना, आफ्टर में ऑरेंज और बिफोर में ब्लू कलर, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 8 में, लेट अस प्ले। यहाँ पर एक गेम दिया हुआ है, और इस गेम क्या है इसको मैं रीड करके बता रहा हूँ। इसमें है, चिल्ड्रेन विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम वेयर दे ऑल विल फॉर्म अ ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर्स शोल्डर। यहाँ पे क्या करना है, बच्चे कुछ कविता गाएंगे और एक खेल खेलेंगे, जहाँ पर
पर एक से अधिक दूसरे का कंधे पकड़कर क्या बनाएंगे, ट्रेन बनाएंगे, ठीक है। और एवरी वन विल टेल हु इज बिफोर एंड आफ्टर ईच चाइल्ड इन द ट्रेन, और प्रत्येक बच्चा, हर कोई बच्चा बताएगा कि ट्रेन में प्रत्येक बच्चे के पहले और बाद में क्या है। जैसे यहाँ पर ये जो फर्स्ट गर्ल है वो कुछ बोल रही है इस बॉक्स में, देखिए, हियर गोज आवर ट्रेन, हियर गोज आवर ट्रेन, नो वन इज बिफोर मी एंड मीरा इज आफ्टर मी। क्या है, ये कैसे बोल रही है कि यहाँ पर हमारी ट्रेन जाती है, यहाँ पर हमारी ट्रेन चलती है या जाती है, ठीक है ना, यहाँ हमारी रेल चलती है, यहाँ हमारी रेल चलती है, मुझसे पहले कोई नहीं, देखो इसके आगे कोई नहीं है ना, तो बिफोर इसके कोई नहीं है, और मीरा मेरे बाद में, यानी इसकी, इस लड़के का क्या नाम है, मीरा नाम है, ठीक है ना। अब ऐसे ही मीरा बोलेगी, अगर इसका कुछ नाम होगा तो बोलेगी हियर गोज अवर ट्रेन, हियर गोज अवर ट्रेन। अब इसका जो भी नाम होगा, सपोज देर इसका नाम शीला रख लो, उसका नाम गीता रख लो, ठीक है ना, सपोज ये शीला है और ये गीता है, तो जो मीरा है कैसे बोलेगी, शीला इज बिफोर मी एंड गीता इज आफ्टर मी, गो हियर गोज अवर ट्रेन, हियर गोज अवर ट्रेन, यहाँ हमारी रेल चलती है, यहाँ हमारी रेल चलती है। इस तरीके से हम लोग एक गेम खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे, सुआली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप ऑब्जेक्ट। सुहाली और रोहित क्या कर रहे हैं, मेकिंग सम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है सुहाली और रोहित वस्तुओं के कुछ समूह बना रहे हैं। ये देखो सुहाली है और ये रोहित है। सुहाली क्या किया है, आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर, उसने जो सारे कंकड़ थे वे एक साथ रख दिए है, वो लही है, मैंने सारे कंकड़ एक साथ रख दिए, पेबल्स मैंने पत्थर जो होते हैं, ठीक है ना। आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चाक पीसेस इन अनदर ग्रुप। अब रोहित कह रहा है मैंने सभी पत्ते या पत्तियों को एक समूह में रख दिया है, और चाक के जो टुकड़े हैं उनको एक दूसरे समूह में रख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी बच्चों अपने प्ले ग्राउंड में या कहीं पर भी ऐसे क्या है, जो ऑब्जेक्ट हैं, जो चीजें, उनको सॉर्टिंग कर सकते हो, जैसे बीज अलग कर सकते हो, सीड लीव्स को अलग रखना है, बीड्स मतलब मोतियों का अलग रख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे सॉर्टिंग कर सकते हो, अलग अलग बांट सकते हो। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, सुहाली हैज प्लेस ऑल द बटन इन थ्री ग्रुप्स। अब यहाँ पर सुहाली के पास कुछ बटन्स हैं, ये देखिए बटन्स दी हुई हैं, और वो उनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर रही है। व्हाई डिड सुहाली मेक सच ग्रुप्स, अब सुहाली ये क्यों है? इस तरीके से ग्रुप बना रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सुहाली ने कलर के अनुसार उनको जो ग्रुप ऑफ बटन है ना, कलर के अनुसार प्लेस्ड किए, देखो रखे हुए हैं, ये ब्लू कलर से अलग रख ग्रुप बना दिया है, और ये रेड कलर का अलग ग्रुप है, और ये ग्रीन कलर का अलग ग्रुप है, तो इसने ब्लू रेड और ग्रीन कलर के अलग अलग जो बटन्स हैं उनको ग्रुप उनके ग्रुप में बांट दिए हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हेल्प सुहाली टू शॉर्ट दीज बटन इन अदर वेज बाय ड्राइंग देम। अब आपको सुहाली की हेल्प करनी है, इन बटनों को दूसरे तरीके से कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ग्रुप बना के रख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे शॉर्ट करोगे। अब देखिए उसमें पहले सुहाली ने क्या किया था, सुहाली ने पहले कलर के अनुसार उनको ग्रुप बना दिए थे, आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इनको बांट सकते हैं। जैसे मैंने ये दो गोल वाली जो बटन्स हैं उनका एक ग्रुप बना के रख सकते हो, मैंने जिसे पे रखा है, जो चौकोर हैं, ठीक है ना, जैसे स्क्वायर होता है उनको एक तरह के रख सकते हो, ये ट्रायंगल वाले जो जैसे कटी हुई हल्की चीज थोड़ी नहीं दिखाई दे रही है, इनका एक ग्रुप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप तीन ग्रुप डिवाइड कर सकते हो, और वो कलर्स आप कलर से ना करना तो इस तरीके से भी रख सकते हो, पहले जो कटी हुई उनको अलग रख देना, और चौकोर यानी उनको अलग रख देना, राउंड वाली जो गोल है उनको अलग करके रख सकते हो, तो ये भी डिवाइड करने का यानी ग्रुप बनाने का एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा इनके अंदर जो होल दिखाई दे रहे हैं, किसी में टू है किसी में फोर होल है, ठीक है ना, उसके अनुसार आप उनको ग्रुप में बांट सकते। तो यहाँ पर हम
थ्री कॉर्नर, फोर कॉर्नर और राउंड वाले बटनों के हिसाब से इनको बांट सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या तरीका हमने बताया, जो इनके बटन्स में जो होल दिखाई दे रहे हैं, देखिए किसी में से आपको टू होल दिखेंगे, किसी में चार होल दिखेंगे, ठीक है ना, फोर। ओके, तो इस तरीके से भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो, मतलब ग्रुप में बांट सकते हो। और भी कई तरीके हो सकते हैं। देखिए अब देखो, जो तीन कोने वाले, थ्री कॉर्नर वाले, उनके भी दो पार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखोगे क्या है, इसमें फोर होल हैं और इसमें एक में टू होल मिल जाएंगे, एक में फोर होल मिलेंगे। जैसे इसमें टू होल दिखेंगे, इसमें फोर होंगे, ठीक है ना। तो इनके इस तरीके से जो बटन है उनको अलग अलग पार्ट का अलग अलग ग्रुप बना सकते हो। और दूसरे जो ये फोर कॉर्नर वाली हैं, इनके भी दो ग्रुप बांट सकते हो, कि यहाँ पर टू होल वाले और जिसमें दो छेद है, और जिसमें फोर होल है वो अलग रख सकते हो। इसी तरीके जो राउंड वाली बटन है उनके भी दो ग्रुप कर सकते हो, किसी में टू होल है, किसी में फोर होल है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनको डिवाइड भी कर सकते हो। वैसे आप क्या करना है, सिंपल तरीका है, अभी आपको एक वे बनाना, तो आपको कौन से अच्छे तरीके से कर सकते हो, मैंने सबसे सिंपल तरीका क्या बताया, इनके पहले राउंड वाली अलग कर देना, और जो फोर कॉर्नर वाली है और थ्री कॉर्नर वाली, ठीक है ना, उनको अलग कर देना, जिनमें फोर साइड दिखते हैं, ठीक है ना। यानी राउंड वाली अलग, और जिसमें यहाँ पे देखिए राउंड वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, एक ऐसी आ गई राउंड वाली। अब इसके अलावा आप जो कुछ राउंड है और एक उसमें वन कॉर्नर वाले हैं, जैसे ठीक है ना, ये थ्री कॉर्नर वाले जो जो हल्की सी ब्रोकन जैसी दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और ये 6 ऐसे। फिर इसके बाद जो फोर कॉर्नर है जिसमें, उनको अलग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 6 6 ए भी हो जाएंगे। आप देखो इनको कैसे फाइंड करने का एक तरीका भी हो सकता है, अगर इनको देखोगे ध्यान से, तो ये जो आपको बटन दिखाई दे रहे हैं, इनको आप ऐसे चला के देख सकते हो, कैसे, मतलब रोल करके। अगर ये बटन रोल कर जाती हैं, लुढ़क जाती हैं, जैसे जो राउंड वाली हो, क्या करेंगी, रोल करेंगी, चल जाएंगी, दूर तक चलेंगी, तो उनको अलग कर लेना। फिर जो ये जो थोड़ी सी कम राउंड है, पूरी कंप्लीट गोल नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी कटी हुई या ब्रोकन जैसी दिख रही है ना, एक थ्री कॉर्नर वाले, वो कम रोल करेंगी, थोड़ा इसी रोल करेंगे फिर गिर जाएंगी, तो वो अलग कर लेना। फिर जो बिल्कुल नहीं रोल करेंगे, जिसमें फोर कॉर्नर है, उनको अलग कर लेना। तो इस तरीके से भी आप इनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये ड्रॉ करके हमें बता सकते हो कि आपने किस मेथड से किया है, किस तरीके इन बटनों को ग्रुप में बांटा है, और वो कमेंट में हमें भेज भी सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।